नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है मोर बिजली ऐप से जो है अपने घर का या फिर ऑफिस का जो है बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेड कर सकते हैं आसानी से। तो यह वीडियो जो है CSPDCL के लिए है, मतलब छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए है ये। और इसका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है मोर बिजली ऐप, उससे आप जो है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेड कर सकते हैं, इसी चीज़ को इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर किसी एप्लीकेशन से, तो उसके लिए आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि मोर बिजली ऐप से जो है किस तरह से आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस मोर बिजली ऐप से सिर्फ और सिर्फ आप जो है छत्तीसगढ़ का ही बिल पे कर सकते हैं। अदर अगर स्टेट से हैं आप, तो वहां का ऑफिशियल ऐप दूसरा होगा, वो आपको जो है ढूंढ लेना है। तो चलो, यहां पर मैं जो है मोर बिजली ऐप को यहां पर ओपन कर लेता हूं। अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं, आप इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो है रजिस्टर किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे, तो लॉग इन करने के बाद यहां पर देखिए आप बिल वगैरह अगर देखना है, तो यहाँ पर बिजली बिल के ऊपर क्लिक करके आप अपना बिल वगैरह देख सकते हैं। बट मुझे जो है डायरेक्ट पे करना है, तो यहाँ पर देखिए भुगतान का एक ऑप्शन मिल जाएगा। भुगतान के अंदर में यहाँ पर बिजली बिल भुगतान का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर मैनुअली आप कर सकते हैं, दूसरे यहाँ पर जो है भुगतान हेतु QR कोड आएगा, उसको स्कैन करके कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर पहला जो चुनने वाला हूँ बिजली बिल भुगतान, इसके ऊपर मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा बिजली बिल तो आ गया, बट इसमें अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो मेरा जो बिल में जो आया है वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, 380 रुपये। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आपको ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बिल डेस्क, उसके बाद भुगतान करें के ऊपर में जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है पेमेंट के सेक्शन में लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट के मोड मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वाउचर, भारत QR, UPI, गूगल पे। तो यहाँ पर मैं जो है यूज़ करने वाला हूँ UPI, तो मैं सिंपली UPI के ऊपर में क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर फिर से UPI के ऊपर मुझे क्लिक कर लेते हैं। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, आपको अपना UPI ID डालना है, चाहे वो फ़ोनपे का हो, गूगल पे का हो, पेटीएम का हो, एयरटेल पेमेंट बैंक का हो, या किसी का भी, जो भी आपके पास UPI ID है, वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोनपे का, गूगल पे का या फिर पेटीएम का UPI ID कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हो कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का जो है UPI ID कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगा। अगर वो नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पैसा पे कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा फ़ोन है आपके पास, तो इसको जो है स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं। लेकिन मैं अपना UPI ID यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर मुझे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 4 मिनट का यहाँ पर दे दिया, 5 मिनट का। अब आपको जिसका भी आप UPI ID डाले होंगे उसमें चल जाना। जैसे कि मैंने फ़ोनपे का UPI ID डाला, तो फ़ोनपे को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करते यहाँ पर ऊपर में आपको रिक्वेस्टेड बाय यहाँ पर दे देगा। अगर यहाँ नहीं शो करता है, तो चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर यहाँ नहीं शो करता है, तो यहाँ पर ऊपर में एक बेल आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आ गया है CSEB बिल डेस्क। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पे के ऊपर में क्लिक करना है और आपको आसानी से जो अपना UPI पिन डालकर जो है इसे पे कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अपना UPI पिन डाल दिया और यहाँ पर ये जो है मैंने पेड कर दिया। अब चलते हैं वापस इलेक्ट्रिसिटी वाले इसमें मोर बिजली ऐप में और यहाँ पर हम अलाउ करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेस दिखा दिया। अब हम चलते हैं होम पे। तो ये जो है कुछ घंटों में जो है आसानी से यह जो अपडेट हो जाता है। और इसे अगर आपको चेक करना है बिल भुगतान हुआ या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान में यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन बिल भुगतान विवरण, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है शो कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं लास्ट मैंने 11/9/2023 को पे किया था 550 रुपये। तो ये जो है कुछ घंटों में या फिर कुछ दिन में जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एक दिन लगभग 12 से 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पे वो भुगतान आ जाएगा आज के डेट के साथ। तो इस तरह से आसानी से आप जो है मोर बिजली ऐप का उपयोग करके अपना घर का, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस तरह के बेसिक वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं। ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, जिसमें आपको मोर बिजली ऐप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसे जाकर जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।